ये लो भी आपका ऑर्डर। अरे ये कौन है? ये मेरा भाई है। भाई को साथ लेकर डिलीवरी करते हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया, बस इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए। अरे जब तबीयत खराब है तो इसको घर पर रेस्ट करवाओ ना, साथ में लेके क्यों घूम रहे हो? दरअसल भैया इसको कैंसर है और इसकी देखभाल के लिए घर पर कोई है भी नहीं। जो घर वाले हैं वो गांव रहते हैं। अगर मेरे पीछे से इसकी तबीयत खराब हो गई तो कौन इसकी देखभाल करेगा? और मान लो अगर मैं घर पर रहकर इसकी देखभाल भी करने लग जाऊं तो फिर काम कौन करेगा और कैसे ही हमारा खर्चा पानी चलेगा? बस इतनी सी मजबूरी है। अरे वाह भाई, तू अपने भाई का ख्याल भी रखते हो, काम भी करते हो और अपना घर भी चलाते हो। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भैया, अब तो ये बिल्कुल ठीक है और वैसे भी इलाज चल रहा है, बस एक महीने की तो बात है। वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे यार बहुत अजीब लग रहा है। तुम अपने भाई के साथ सर्वाइव कर रहे हो तो मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं भैया, बस आप भगवान जी से दुआ करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है यार। अच्छा सुनो, अगर महीने में तुम जितना कमाते हो मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूँ तो? अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो? अरे यार ये पैसे रखो। अरे नहीं नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। अरे रखो और घर पे बैठ के अपने भाई की सेवा करो। अरे नहीं नहीं भैया, क्या कर रहे हो ये? जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाए तो दोबारा काम पे आ जाना। वो बात तो ठीक है लेकिन फिर भी भैया। अच्छा एक काम करो, उधार समझ के रख लो, जब तुम्हारा मन हो तब लौटा देना। मैं यहीं तो रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे, संदीप नाम है मेरा, कभी भी लौटा देना। लो रखो यार। अरे भैया कोई बात नहीं। ले रवि रख ले। अरे आंटी संदीप से मिलना था। यहाँ कोई संदीप नहीं रहता। संदीप नहीं है, हमें उसके पैसे लौटाने थे, उन्होंने तो यही एड्रेस बताया था हमें। नहीं यहाँ कोई संदीप नहीं रहता, मेरे तो दो बेटी है, बेटा है ही नहीं। पता नहीं कौन था वो, कहाँ से आया था, पर जो भी था हमारी मदद करके गया था। अगर आज मेरा भाई नहीं होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रह पाता।